जिस ताकत से लेबनान का हिजबुल्ला गाजा में हमास को बचाने के लिए कूदा था, उसको इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस आग से वो हमास को बचाने में लगा हुआ है, वही आग उसके घर तक पहुंच जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं IDF के उन हमलों की जिसने पूरा लेबनान दहल उठा। पहले पेजर धमाके, उसके बाद वॉकी टॉकी और फिर लेबनान में एक के बाद एक हिजबुल्ला के कमांडरों के विकेट गिरते गए। इन सभी हमलों में हिजबुल्ला को हिला कर रख दिया। इससे पहले कि हिजबुल्ला इन हमलों से संभल पाता, उससे पहले ही इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ऊपर एक और हमला कर दिया। दरअसल IDF ने लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगरीय इलाके में कई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF ने अल हदात और अल लैलाकी इलाके में रात में करीब 1 बजे कई हवाई हमले किए। IDF ने अल लैलाकी, अल कफात, शोएफात, बुर्ज अल बर्जने और अल हदात को विशेष टारगेट किया। इससे पहले IDF ने बेरूत के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए एक संदेश जारी किया था, जिसमें उसने लोगों से अपने अपने घरों को खाली करने, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा था। PM नेतन्याहू ने भी IDF के इसी मैसेज को दोहराया। IDF ने अपने बयान में कहा था कि हिजबुल्ला ने आम लोगों के घरों में रॉकेट और मिसाइल को छुपाया हुआ है, जिसे ख़त्म करना इसराइल के लिए ज़रूरी है। हालाँकि हिजबुल्ला ने IDF के इन आरोपों को झूठा बताया था। हालांकि हिजबुल्ला के हथियारों को नष्ट करने के लिए IDF ने डाहिए डॉक्ट्रिन लागू कर दिया है, जो 2006 में हुए इसराइल हिजबुल्ला युद्ध के बाद से ठंडे बस्ते में था। आपको बता दें कि डाहिए डॉक्ट्रिन IDF का एक ऐसा नियम है जिससे वो बड़े पैमाने पर नागरिक ठिकानों को तबाह कर सकती है, जिससे हिजबुल्ला पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि IDF के इन आरोपों को लेकर लेबनानी न्यूज़ एजेंसी अल मयादीन ने दावा किया कि जिन इलाकों पर IDF ने हमला किया था, उन इलाकों में किसी तरह की हिजबुल्ला या कोई सैन्य गतिविधि नहीं देखी गई। अल मयादीन का कहना है कि ये सारे नागरिक और रिहायशी इमारतें थीं जिन पर इसराइल ने हमला किया था। अल मयादीन के मुताबिक जहां हमला हुआ था, वहां घांडोर फैक्ट्री थी जो फूड इंडस्ट्री में कारोबार करती है। वहीं दूसरी तरफ जब IDF हिजबुल्ला को दहला रही थी, तो उसी दौरान हिजबुल्ला के लड़ाके भी इसराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे थे। हिजबुल्ला ने किरियत अटा सेटलमेंट पर फादी एक रॉकेट का पूरा एक जत्था फायर किया। इसके बाद तबराया शहर में भी हिजबुल्ला ने रॉकेटों के 2 अलग जत्थे फायर किए और इसके बाद शाम होते होते हिजबुल्ला ने इलानिया सेटलमेंट पर भी फादी एक रॉकेट बरसाए। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर करीब 42 ब्लीडा सैन्य चौकी पर भी बमबारी की।